नमस्कार, स्वागत है आपका। आज मैं आपको गंगा जमुना जी की कथा सुनाने जा रही हूँ, जो इस प्रकार से है। एक गंगा जी थी, एक जमुना जी थी। दोनों बहनें एक साहूकार के खेत में से जा रही थी, तो जमुना ने 12 दाने जौ के खेत में से तोड़ लिए और गंगा जी बोली कि बहन, ये तो चोरी हो गई, तो तुझे तो पाप लग गया। तो जमुना जी बोली कि बहन, अब कैसे उतरेगा। तो गंगा जी बोली कि 12 वर्ष साहूकार के यहाँ नौकरी से उतरेगा। तो जमुना जी साहूकार के यहाँ पर नौकरी करने के लिए गई और साहूकार से बोली कि मुझे नौकरी दे दो। तो साहूकार ने जमुना जी को नौकरी पर रख लिया और जमुना जी ने कहा कि मैं 4 काम छोड़कर तुम्हारे सारे काम कर दूंगी। एक तो झूठे बर्तन नहीं धोऊंगी, झाड़ू नहीं लगाऊंगी, सेज नहीं बिछाऊंगी, दिया नहीं चासूंगी। साहूकार ने कहा ठीक है और जमुना जी को नौकरी पर रख लिया। 12 वर्ष बाद कुंभ का मेला आया और साहूकार साहूकारनी मेले में जाने लगे, तो जमुना ने उन्हें एक सोने का टका दिया और बोला कि ये मेरी बहन गंगा को दे देना और कह देना बहन जमुना ने भेजा है। तो वह हाथ पसार कर गोरी गोरी बाव में हरी हरी चूड़ियाँ पहन लेगी। वे लोग वहां जाकर सोने का टका देने लगे गंगा जी को और उन्होंने हरी हरी चूड़ियां पहनकर गोरी गोरी बाहों में हाथ पसार कर सोने का टका ले लिया और बोली, मेरी बहन जमुना से कह देना कि अब तेरे 12 वर्ष पूरे हो गए हैं, अब वो आ जाएगी। तो साहूकार साहूकारनी घर गए तो साहूकार साहूकारनी को जब ये पता चला कि जमुना माता हमारे यहाँ सारा काम करती है, तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्हें ऐसा लगा कि हमें बहुत पाप लगा है, हमने जमुना जी से काम करवाया है। उधर जमुना गंगा के पास गई तो गंगा ने पूछा कि तुम साहूकार साहूकारनी को धीरज बंधाकर आई हो या नहीं। तो जमुना जी बोली कि मैंने तो उनसे कुछ भी नहीं कहा। तो गंगा जी बोली कि उनको धीरज बंधाकर आना चाहिए था तुम्हें, उनको संतोष कैसे होगा। तो जमुना जी ने उन दोनों को सपने में दर्शन दिए और बोली कि तुम उदास क्यों हो। साहूकार साहूकारनी बोले कि हे जमुना मैया, हमने आपसे ऊंचा नीचा सारा काम कराया है, अब हमारा पाप कैसे उतरेगा। तो जमुना जी बोली कि तुम्हें कोई पाप नहीं लगा है, मैं तो अपना पाप उतारने आई थी। तुम्हारे खेत में से मैंने 12 दाने गेहूं के तोड़ लिए थे, तो इसीलिए मुझे दोष लगा था। तुम्हारे घर में काम करने से अब वो उतर गया है, तुम उठो, तुम्हें कोई दोष नहीं लगा है। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे घर में खूब धन लक्ष्मी हो जाएगी और तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। हे जमुना माता, जैसे उस साहूकार और साहूकारनी को मुक्ति दी, वैसे सबको देना। कहते सुनते हुंकारे भरते, बोलिए जमुना मैया की जय, बोलिए गंगा मैया की जय। कार्तिक मास की ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले नए वीडियोस की जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। बोलिए जमुना मैया की जय, बोलिए गंगा मैया की जय।